इस वक्त एक और अहम खबर हमारे पास आ रही है कश्मीर से, जहां आर्टिकल 370 पर कांग्रेस के नेता जहांगीर सिरवाल ने एक विवादित बयान दे दिया है। सिरवाल ने कहा कि जो बाइडेन की मदद से कश्मीर में अनुच्छेद 370 और धारा 35 से वापस लाई जाएगी, ये बड़ा बयान दे दिया है सिरवाल ने। और वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की मदद से, यानी जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें यह उम्मीद है कि वो उनकी मदद से अनुच्छेद 370 और 35 ए को वापस लाएंगे। आई बिलीव इन दिस थिंग दैट जो बिडेन, एज दे हैव सेड अर्लियर ऑल्सो, देयर स्टेटमेंट्स प्री इलेक्शंस वी हैव सीन दैट दे विल डेफिनेटली क्रिएट प्रेशर ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया that the decision that was taken on 4th August 2019 in an undemocratic manner the decision was taken, that is revocation of Article 317 35A. I believe in this thing that decision will be taken back by the central government. सीधे रुख करेंगे वॉशिंगटन डीसी का, मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, बड़ी अजीबो गरीब सी बेमानी सी उम्मीद नहीं पाल ली है कुछ नेताओं ने कि अब जब जो बाइडेन गद्दी संभाल लेंगे अमेरिका की, तो फिर उनकी मदद से अनुच्छेद 370 को दोबारा लागू कराया जाएगा? बिल्कुल सही कहा आपने कि बड़ी अजीब सी उम्मीद पाले हुए हैं लोग, लेकिन फिर वही बात है समीर की, अभी यहाँ रात है लेकिन वहाँ दिन है। अब दिन में कोई सपने देखे तो उसे तो कुछ रोका नहीं जा सकता है, लेकिन अगर आप देखें तो उन तमाम लोगों को कम से कम जब बाइडेन साहब उपराष्ट्रपति थे और ओबामा राष्ट्रपति थे, तब कम से कम अमेरिका की जो पॉलिसी कश्मीर को लेकर है वही वो पढ़ लें, वही वो सुन लें, जिसमें अमेरिका तब भी वही बात कहते था कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और ये उनका मामला है, यानी भारत का मामला है और इसमें वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये बात प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम में जब जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे तब भी वही कहते थे। तो सिचुएशन आज भी कुछ चेंज नहीं हुई है, सिचुएशन बस इतनी सी चेंज हुई है कि जो बाइडेन हो या ओबामा हो, वो लगातार मानवाधिकार को लेकर बातें करते हैं, तो इस तरह की बातें उठती रही है और भारत सरकार उसका हमेशा उचित प्लेटफॉर्म पर जवाब देती भी रही है। अभी फिलहाल मुझे लगता है, एक आखिरी बात मैं आपको जोड़ूंगा कि मानवाधिकार के मुद्दे पर भी अभी फिलहाल बाइडेन के समक्ष चुनौती अमेरिका में जो उपजी स्थितियां हैं उसको सुधारने की है। वो अभी बहुत समय लगेगा जब सात समंदर पार वो भारत के मानवाधिकार पर चिंता करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। महराज हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कश्मीर घाटी से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महराज, ये बताइए कि क्या कांग्रेस का खास तौर पर जम्मू कश्मीर में जो नेतृत्व है, वो क्या अपने इस युवा नेता की बात से इत्तेफाक रखता है? क्या कांग्रेस का आधिकारिक बयान इसे माना जाए किसी भी सूरत से? देखिए समीर, अगर हम कहें तो इससे पहले भी कई राजनीतिक दलों द्वारा जो है विवादित बयान सामने आया है, यहां तक कि फारूक अब्दुल्ला ने भी चीन की हस्तक्षेप मांगी थी कि वो 370 हटाने में जो है सफल रहेंगे या यहाँ पे बहाल करने में सफल रहेंगे, और उन्होंने भी उम्मीद जताई थी। लेकिन अगर हम ज़मीनी स्तर पर देखें तो ये राजनेता जो है अपनी साख्त बचाने की कोशिश कर रहे हैं, विशेष तौर पर अगर हम कहें जब से 370 हटाया गया है, और उसके बाद से ऐसे बयान न सिर्फ बड़े राजनेताओं से बल्कि छोटे राजनेताओं से भी सुर्खियों में जो है आने के लिए दिए जा रहे हैं, और ऐसे बयान यहाँ पे बहुत ज़्यादा तौर पर देखे जा रहे हैं। तो हम इसको ऐसे ही बयान के हिसाब से भी ले सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे अभी देखें तो ऑफिशियली अगर हम कहें, ऑफिशियली 370 पे चिदंबरम एक स्टेटमेंट देते हैं, और अगर हम कहें गुपकार गैंग जो है उसका सपोर्ट करते हैं, तो अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि ये उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दिया है या अभी वो पार्टी स्टैंड जो है वही बता रहे हैं। जी समीर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। महराज, आप हमारे साथ बने रहें, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अभी जिस तरह से जम्मू कश्मीर के एक युवा नेता हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि अमेरिका की मदद से अनुच्छेद 370 को दोबारा तामील कराया जाएगा, अब कांग्रेस पार्टी को क्लेरिफिकेशन जल्द से जल्द इस बयान पर जारी करना चाहिए कि यह पार्टी का आधिकारिक बयान है या नहीं है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।